देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बहुत डर चले हमने, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम हमें मारना चाहती हो ना, लो मारो 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 मारो, बंद करो लाडा। कम से कम आप तो हम पर यकीन कीजिए। दानी बेटा संभालो अपने आप को, तुमने सुना नहीं, प्रताप ने साफ साफ कहा है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। सृष्टि का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है बेटा, समझने की कोशिश कर। और सृष्टि ने भी अपनी सफाई देने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। बेटा अगर सृष्टि गुनहगार होती तो इस तरह से चुप नहीं रहती। प्रताप भी ऐसा क्यों कहता? शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई। पता नहीं क्यों दानी बच्चा, हमें आप पर विश्वास है, लेकिन यहाँ का सूरत हाल ये है, जो सच्चा होता है वो शांत रहता है, उसे परास्त होने का डर नहीं होता, और जो झूठा होता है वो चीख चीख कर अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करता है। वो सब हमारी बातें यकीन क्यों नहीं कर रहे? पापा आप तो हमें जानते हैं ना, हम बेवजह कुछ नहीं कहेंगे। हमें पता है कि दीदी ने ये सब कुछ किया है, नाटक कर रही है ये, और ये कोई नई बात नहीं, हमेशा से नाटक करती आई है। आप हमारा यकीन क्यों नहीं बांट रहे? हम सच कह रहे हैं, प्लीज। हाँ आप लोग ना धानी की बात पे विश्वास कीजिए, बिल्कुल सच ही तो कह रही है। हमें बस झूठे इस घर में जो कुछ भी गलत हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने किया है, हम ही दावा करते हैं बस। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं, वो दानी प्लीज थोड़ा संभाल कर, क्या सोच रही हो दानी? कुछ नहीं सोची, बस पैर मुड़ गया था हमारा। सृष्टि के बारे में सोचकर परेशान हो ना तुम, धानी प्रताप ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है सबके सामने। उसने सबके सामने ये कहा है कि रॉकी की मौत का जिम्मेदार वो है, और अब सृष्टि रॉकी के बच्चे की मां बनने वाली है, थोड़ा सा भरोसा रखो उस पर। जी यही तो चाल है उनकी, वो हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके हमें अपनी तरफ करना चाहती है। सच तो ये है कि सब कुछ एक नाटक है, मां नहीं बनने वाली है वो, और ये बात हमें साबित करनी होगी ध्रुव जी, उनके इस नाटक पर से पर्दा हटाना होगा। धानी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम स्ट्रेस नहीं ले सकते इस सिचुएशन में बिल्कुल भी, और स्ट्रेस ना ही तुम्हारे लिए अच्छा और ना ही होने वाले बच्चे के लिए, और वैसे भी हम एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। स्ट्रेस मत लो प्लीज, हम नहीं चाहते कि होने वाले बच्चे पे जरा सा भी असर हो इस बात का। ध्रुव जी हम बिल्कुल ठीक है, हमारे बच्चे को या हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक दीदी हमारे साथ है, हमारे घर में है, तब तक कुछ सही नहीं होने वाला। जब तक उनका काला साया हमारे घर में है, खुशियां घर के दरवाजे तक भी नहीं आएंगी। प्लीज हमारी बात मानिए आप, अब हमें ये नाटक का अंत करना ही होगा, सबके सामने सच लाना ही होगा। ठीक है, एक बार के लिए तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, ये सब नाटक है, लेकिन ये बात पूरे परिवार को कैसे साबित करोगे तुम? एक रास्ता है हमारे पास, एक आइडिया है, बस आपकी मदद चाहिए। कोशिश करेंगे हम, लेकिन आखिर में हम फिर भी यही कहेंगे कि धानी छोड़ दो ये सब। बस एक बात ध्रुव जी, भरोसा कीजिए हमको। यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी बदल गई हो। सच में बेटा, सच्चा पश्चाताप किया है तुमने। वाकई सृष्टि, अपना दर्द भूलकर किसी और के बारे में सोचना हर किसी के बस की बात नहीं है।
तुमने साबित कर दिया सृष्टि कि इंसान कितनी भी गलतियां करे आखिर में जीत तो परवरिश की होती है। हाँ जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। माता रानी, हम हमें थोड़ी थकान सी हो रही है, आराम करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, जा जाकर आराम कर ले। लो बेटा, तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, हम ठीक है। लेकिन मम्मी, आप धानी को देखिए ना, वो कितना थक गई है। मम्मी, आपको याद है जब रश्मि भाभी प्रेग्नेंट थी तब आप एक जूस बना के देती थी, क्यों ना हम धानी के लिए भी वो जूस बनाए, उससे ना धानी को ताकत मिलेगी। गीता जी, सृष्टि, आप लोग किस जूस की बात कर रहे हैं? अरे बहन जी, वो हम लोग को अनारदाने और कुछ फल और चिरौंजी डाल के हम जूस बनाते थे, इससे जच्चा और बच्चा दोनों को ताकत मिलती थी। सुनने में तो बड़ा हेल्दी लग रहा है ना जी जी? वाकई जूस अच्छा ही होगा, आप जरूर पिलाइए। आइए ना माँ, हम मिलकर बनाते हैं। हमारा यकीन मानिए माता रानी, हम जानते हैं दीदी ने, बस दानी बस, अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं है हमें, बस। इसका मतलब दीदी ने जूस में पपीता मिला। इतनी परेशान क्यों है आप? बेटा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमारी दोनों बेटियों को, मैंने तो उनसे उम्मीद ही खो दी। बचपन से लेकर आज तक कभी उन्होंने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और आज हम उन दोनों का गुस्सा शांति नहीं हो रहा है। शांत हो जाइए। मम्मी, वक्त और रिश्तों ने हमें सब कुछ समझा दिया है, अगर इंसान से एक बार भी पाप हो जाता है ना, तो उसका प्रायश्चित उसे पूरी जिंदगी करना पड़ता है, और इसीलिए हमने एक फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम आपके साथ वापस आजमगढ़ चलेंगे। धानी को देखा कहाँ है? नहीं, अब फ्रेश होने गई होगी। ध्रुव अच्छा, बलराज जी जा रहे हैं, जरा गाड़ी गाड़ी तक छोड़ाइए। जी बाबा। ध्रुव जी, माँ, पापा, ध्रुव जी, तो मिल गई। तो उसे एक जरूरी बात करनी थी। आपसे 2 मिनट में बात करते हैं।